एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में ओपीएस को लेकर बड़ी हड़ताल, प्रदेश के 18 लाख कर्मचारियों की हड़ताल है ये इस वक्त की बड़ी खबर। ओपीएस मुद्दा बड़ा होता जा रहा है और ये हड़ताल की तस्वीरें, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं ये तमाम कर्मचारी जो इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं। नासिक से मुंबई तक ये आवाज बुलंद की जा रही है। एक तरफ किसानों का मार्च तो दूसरी तरफ ओपीएस की मांग को लेकर ये हड़ताल। विनोद जगदाले, महाराष्ट्र की तस्वीर बदली हुई है। एक तरफ ओपीएस की मांग को लेकर हड़ताल चल रही है तो दूसरी तरफ नासिक टू मुंबई किसान पैदल मार्च कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ नासिक से मुंबई लाल तूफान यानी किसान यहां पर मुंबई के लिए मार्च कर चुके हैं और इस समय हम भाईकला के जीएसटी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। ये वो बिल्डिंग है जो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहां पर जमा करके देती है और ये उनके वो कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग को लेकर आज सुबह से हड़ताल पर जा चुके हैं। मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में कुल संगठनों का ये आंकड़ा है कि कुल 18 लाख ये कर्मचारी हैं जो पूरे महाराष्ट्र भर से यहाँ पर स्ट्राइक में उतर चुके हैं। राज्य सरकार कर्मचारी के अलावा यहाँ पर महानगर पालिका के कर्मचारी हैं, अस्पताल के कर्मचारी हैं, नगर पालिका के भी कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल में उतर चुके हैं। यहाँ पर जीएसटी के ये अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अब बताइए कि हड़ताल शुरू हो चुकी है ओपीएस की मांग को लेकर। राज्य सरकार ये कह रहे कि राज्य के वित्तीय हालात ठीक नहीं है, ऐसे में स्ट्राइक करना कहां तक सही है? नहीं, ये तो हमारी पुरानी मांग है। जो भी अपने को पुरानी पेंशन चाहिए, 2005 के बाद कर्मचारी जो काम पे लगे हैं उनको पुरानी पेंशन मिलनी उनका हक है। राज्य करते 5 साल आते हैं तो उनको पुरानी पेंशन मिलती है, तो कर्मचारी की न्याय मांगनी है कि वो पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। वो इस जीएसटी कर्मचारी, जीएसटी डिपार्टमेंट अभी बंद होना, ये हड़ताल में जाना, ये राज्य सरकार को परवड़ने वाला नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी डिपार्टमेंट से मिलता है। और राज्यकर्ताओं को हमारी विनती है कि तत्काल हमारे जो नेते हैं समन्वय समिति के उनसे बात करके हड़ताल में जाने के लिए कोई राजी नहीं है, लेकिन पुरानी पेंशन हमारी मांग है, वही हमारी एक ही मांगनी है। ठीक है विनोद, आपके पास आते रहेंगे क्योंकि वक्त कम है, थोड़ा ब्रेक पर मुझे जाना है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।